वेलकम टू बिस्सू जी के यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीसीपीसी में आज फर्स्ट शिफ्ट का भी वो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने करा दिया है, और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और जरूर देखिए का है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछा गया कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूनाइटेड नेशन की स्थापना। और अगर पूछा जाए नेक्स्ट में प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिग्वेरी थे जो कि नॉर्वे के थे। और ये प्रथम महासचिव यूएनओ के पूछा गया था 5 अप्रैल को, सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है ये यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था विंबलडन खेल संबंधित, ये किस देश से संबंधित है। तो ये लंदन में होता है, लंदन में होता है इंग्लैंड में, ये जून जुलाई में रखा जाता है। और ये पूछा जाए किस कोर्ट पे होता है, तो ग्रास कोर्ट पे होता है विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये एक्स्ट्रा नोट से जो मैं बना के देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये मेलबर्न में होता है जनवरी में, और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, ये मई जून में होता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है अगस्त सितंबर में, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा नोट्स है, ये सब जरूरी किया कर लेना चाहिए। क्रोकोडाइल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की स्थापना पूछा गया था कब हुई थी, मतलब स्थापना दिवस पूछा गया था वो 26 मार्च को है, 1971 में भारत ने उसको आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से। हरियाणा हरिकेन पूछा गया है, हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। भारत बांग्लादेश के बीच जमीन समझौता किस संविधान संशोधन के बीच पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। और वो क्या पूछा गया था परफेक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये 100वां संशोधन था और 119वां संशोधन दोनों। अब अगर दोनों ऑप्शन में तो होगा नहीं, एक ही होगा, या तो 100वां होगा या 119वां होगा, वो दोनों जो होगा वो जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन 100वां भी 119वां भी है बांग्लादेश सीमा समझौता, भारत बांग्लादेश के बीच। ठीक है, 1856 से पहले इनमें से कौन वायसराय थे, पूछा गया था 1856 से पहले कौन वायसराय थे, 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसमें से देखना था, वो तो ऑप्शन पे आधारित तो हो सकता है ना, ऐसे कैसे बता सकता है इनमें से कौन वायसराय थे। 1856 के बाद वाला दिया गया होगा 3, और एक पहले देवाल पहले दिया हो गया। ठीक है, अब पूछा गया था क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक के, 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी और 24 दिन तक लगातार चली थी। 24 वहाँ 24 दिन बाद 24वां दिन जब पहुंचा, वहाँ पहुंचे थे गांधी जी, तो वहाँ नमक सत्याग्रह को तोड़ा था उन्होंने नमक बनाकर। ठीक है, ये पूछा गया था अमेजोनियो सेटेलाइट, ये था ब्राजील का सैटेलाइट जो कि इसरो ने PSLV C-51 से भेजा था, इसरो ने भेजा था ब्राजील का अमेजोनिया सैटेलाइट, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा था ब्राजील ने, और इसरो के थ्रू PSLV C-51 रॉकेट से। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से पूछा था, कृष्ण नदी पे है ये, तो ब्राह्मणी और महानदी पे ये बना हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। पूछा गया था कि कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया, कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया, तो ये भारत बायोटेक ने बनाया था। अगर नेक्स्ट पूछ ले कोविशील्ड किसने बनाया, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड बनाया गया है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट पूछा गया था प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब लागू हुआ था, तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना लागू हुआ था 2015 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब के बारे में पूछा गया था, इनमें से कौन सा बुक है, तो मैंने 3 किताब यहाँ लिख दी है, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ये मिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन जो भी पूछा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1924 में की थी सचिंद्र सान्याल ने, और एक और किया था भगत सिंह ने, स्थापना की थी 1928 में, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सिर्फ यहाँ सोशलिस्ट लग गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, उन्होंने भगत सिंह ने 1928 में स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, तो पूछा गया था पेन ड्राइव का आविष्कारक कौन है, आविष्कार कब हुआ था या फिर किसने किया था, ये 1998 में IBM ने किया था पेन ड्राइव का आविष्कार, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM 1998 में। पूछा गया था गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, और ये मंगोलिया में है और चाइना में भी है,
चाइना में भी है, ठीक है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन अगर चाइना होगा, मंगोलिया होगा, ये दोनों देश, जैसे थार मरुस्थल हमारे देश का है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में है, उस तरफ गोबी मरुस्थल चीन में भी है और मंगोलिया में भी है। अगर ऑप्शन में मंगोलिया होगा तो आंसर मंगोलिया होगा, ज्यादातर मंगोलिया ही दिया जाता है। पूछा गया था गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट पूछा गया ताजमहल की नींव रखी गई थी कब? ताजमहल की नींव रखी थी 1632 में, शाहजहां ने ताजमहल की नींव 1627 ईस्वी में वो गद्दी पे बैठे थे, और 1632 ईस्वी में ताजमहल की नींव रखी गई थी। पूछा गया था नेक्स्ट ओईसीडी का मुख्यालय, ओईसीडी का मुख्यालय यह है पेरिस में, ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पूछा गया था विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? वो 4 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीवी दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था भारत को 1929 में डोमिनियन राज्य बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? डोमिनियन राज्य क्या होता है यह रखा था, पहले बता देता हूँ डोमिनियन राज्य क्या होता है। उस टाइम होता क्या था कि भारत सरकार को आज़ादी तो मिलती लेकिन फुल्ली आज़ादी नहीं मिलती, उसमें कहा गया कि जो भी विदेश नीति होती और रक्षा जो भी होता वो इंग्लैंड के द्वारा किया जाता, बाकी यहाँ की सरकार डिसीजन लेती, लेकिन विदेश नीति पूरा सब कुछ होता वो इंग्लैंड का होता। लेकिन भारत ये चाहता नहीं था कि हम डोमिनियन राज्य का आधा ही आज़ादी मिले, इस वजह से मना कर दिया गया था। लेकिन जो भी ये क्वेश्चन पूछा गया था भारत को 1929 में डोमिनियन राज्य बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, वो लॉर्ड इरविन ने रखा था। मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये हाइड्रोलिक अम्ल होता है। अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोटिक एसिड, ठीक है। केदारनाथ मंदिर पूछा गया था किस जिले में है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिला जो है उत्तराखंड में वहां स्थित है केदारनाथ मंदिर। शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है? शिलोंग खासी, गारो खासी पहाड़ी सुना होगा आपने, खासी पहाड़ी पर स्थित है शिलोंग, ठीक है। मीथेन का सूत्र पूछा गया था, मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र CH4। गुजरात का लोकल डिश पूछा गया था, गुजरात का लोकल डिश, ठीक है। तो उसका खाखरा फाफड़ा थेपला जो भी ऑप्शन में होगा वो दिया गया होगा, ठीक है। गुजरात का लोकल डिश आज के लिए ये है, फिर नेक्स्ट जब होगा एग्जाम वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।